नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बबूल का वृक्ष लेकर आया हूँ। यह कांटे वाला पेड़ हमारे शरीर में चुभने वाले कांटे जैसे बीमारी को ठीक करने का काम करता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए इस बबूल के पेड़ को। इसके फूल पीले पीले गोल गोल होते हैं और इसके फलियाँ जो हैं लंबे लंबे होते हैं, 4 इंच से लेकर 6 इंच तक के। दोस्तों यह बबूल की फलियां जब कच्चा होते हैं तो हरा हरा होते हैं, सूख जाने के बाद ब्राउन कलर के हो जाते हैं। दोस्तों यह बबूल का पेड़ एक मध्यम आकार का पेड़ होता है, फिर भी 20 से 30 फुट तक ऊंचा होता है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं इसी बबूल के फली के फायदे के बारे में आपको बताऊंगा, इसके फूलों के फायदों के बारे में बताऊंगा, यहाँ तक कि दोस्तों इस बबूल की छाल भी आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है, मैं इसके छाल के फायदों के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों इस बबूल में गोंद भी होता है, बहुत से लोग बबूल के गोंद के लड्डू बनाकर खाते हैं, उस गोंद के फायदे के बारे में भी बताऊंगा। बड़ा ही शक्तिशाली होता है बबूल का गोंद। तो देख लो, पहचान लो दोस्तों इस बबूल के पेड़ को, इसे बहुत से लोग कीकर भी कहते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बबूल के पेड़ को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में बात करें विस्तार तरीके से, कि आखिर इस बबूल का कौन सा हिस्सा किस रोग में उपयोग करने से वह रोग ठीक हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा मैं उन्हें बताऊंगा जो लोग अपने घुटनों के दर्द से काफी परेशान हैं, घुटनों के अंदर खटखट का आवाज आती है, दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है और सूजन भी होता है, घुटनों की परेशानी की वजह से वह चल फिर नहीं पाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है, तो ऐसे घुटनों के दर्द को सांधीवात का दर्द कहते हैं। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस बबूल की फलियां बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप हरे हरे बबूल की फलियां पाते हैं तो उसे छाएदार धूप में सुखा लीजिए और पीस कर पाउडर बना लीजिए। और अगर मान लो आपको बबूल की फलियां हरे हरे नहीं मिल रहे हैं या आपके घर के अगल बगल में आसपास में बबूल का पेड़ नहीं है, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाकर बबूल की फलियां खरीद सकते हैं, या फिर पिसा हुआ पाउडर भी मिलता है उसे भी खरीद सकते हैं, और रोज सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन कीजिए सादे जल के साथ या दूध के साथ, तो घुटनों के दर्द में आपको काफी आराम महसूस होगा। इतना फायदेमंद है घुटनों के दर्द के लिए यह बबूल की फलियां। दोस्तों हाथ पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो या वात का दर्द हो, तो आप इस बबूल की फली के साथ में बबूल का गोंद अगर मिला देते हैं तो इसका फायदा और डबल हो जाता है। तो दोस्तों 100 ग्राम बबूल की फलियों का पाउडर और 100 ग्राम बबूल के गोंद का पाउडर दोनों मिलाकर आप एक एक चम्मच सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में, तो जोड़ जोड़ का दर्द आपका दूर होगा कुछ ही महीनों के अंदर। दोस्तों इस बबूल के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। इस बबूल के गोंद और फली के सेवन से कैल्शियम गाढ़ा होता है। अगर मान लीजिए किसी को कैल्शियम कमी की वजह से दर्द होता है हाथ पैर में, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर कोई धातु रोगी है, पेशाब करते समय चिपचिपा पदार्थ पेशाब के साथ साथ में निकलता है, गिरता है, तो उनके लिए इस बबूल का गोंद और बबूल फली बहुत ही फायदेमंद है। सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन कीजिए, ऊपर से दूध पीजिए, तो धातु रोग भी ठीक होता है। दोस्तों यह बबूल का गोंद और बबूल की फली, और अगर इसमें सतावरी या सुगंधा और सफेद मूसली बराबर मात्रा मिला दिया जाए तो यह शीघ्र पतन रोगियों के लिए रामबाण औषधि बन जाता है। इसके सेवन से स्टेमिना पावर बढ़ता है। दोस्तों यहाँ तक कि खून कमी को भी दूर करने का काम करता है यह बबूल की फली का पाउडर और बबूल का गोंद। दोस्तों अगर किसी को खांसी है, सूखी खांसी है, तो आप मात्र बबूल के गोंद को मुंह में डालकर चूसिए, चूसते चूसते सीने में जमे हुए कप को गलाकर यह पैखाना के साथ बाहर निकाल देता है। इतना फायदेमंद है सीने में जमे हुए कफ को साफ करने के लिए या बबूल का गोंद। दोस्तों कब्ज रोगियों के लिए बबूल का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है।
अगर किसी को कब्ज हो तो आप करीबन 25 ml तक बबूल के पत्तों को पीस कर स्वरस निकाल कर सेवन कीजिए तो पेट सफा होने लगता है। दोस्तों, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग नीम से ज्यादा बबूल के दतून करना पसंद करते हैं। वह लोग बबूल के दतून करके अपने दांत को मजबूत बना लेते हैं। दांत में अगर पैरिया रोग हो, दांतों से खून मवाद पस निकलता हो, तो आप रेगुलर यानी लगातार बबूल के टहनियों को दतुअन बनाकर दांतों पर रगड़िए तो दांतों के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप बबूल की छाल को निकाल कर सुखा कर पीस कर पाउडर बनाकर फिटकरी का पाउडर मिलाकर दांतों पर मसाज करते हैं मंजन की जैसा, तो दांत का जड़ मजबूत होता है, दांत मजबूत होता है, मसूड़ों से खून मवाद का आना बंद हो जाता है, इतना फायदेमंद होता है या बबूल की छाल दांतों के लिए। दोस्तों, बबूल के टहनियों से छाल निकाल कर उस छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से, कुल्ली करने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। अगर मुंह में दाने फोड़े फुंसी हैं तो आप बबूल की टहनियों की छाल निकाल कर काढ़ा बनाइए, उस काढ़ा से कुल्ली कीजिए तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, बवासीर रोग में भी बबूल की गोंद और सिंघाड़ा कांटा और लाजवंती बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस कर 2 चम्मच सुबह सुबह बासी मुंह सेवन करें और ऊपर से 500 ml पानी पिए तो बवासीर रोग में भी फायदेमंद होगा बबूल के गोंद और बबूल की फलियां। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पुरुषों के लिए ही फायदेमंद है, जितना फायदेमंद पुरुषों के लिए है उतना ही फायदेमंद स्त्रियों के लिए भी है। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया रोग है, सफेद पानी की शिकायत है, तो वह भी बबूल के गोंद का सेवन करे, साथ में सफेद मूसली का पाउडर भी मिला ले तो और अधिक फायदा होगा, सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ, तो लिकोरिया रोग 15 या 20 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन परहेज में खटाई गरम मसाले का सामान बंद करना है। दोस्तों, बहुत सी स्त्रियां डिलीवरी के बाद इस बबूल के गोंद, सतावरी, सौंठ, इस तरह से बहुत सारे काजू बादाम किशमिश मिलाकर लड्डू बनाते हैं और उस लड्डू का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में बल बढ़ता है, ताकत आता है, डिलीवरी के बाद हुए सारे कमजोरी दूर हो जाते हैं इस बबूल के लड्डू के सेवन से, इतना फायदेमंद है दोस्तों यह बबूल का गोंद। दोस्तों, इसके फूल भी फायदेमंद है, मैंने तो आपको पहले बताया, अगर किसी के चेहरे में फोड़े फुंसी हो, दाग धब्बे हो, तो आप बबूल के फूल को पीस कर पाउडर बनाकर शहद मिलाकर चेहरे पर मसाज कीजिए तो चेहरे पर लाइट आएगा, चेहरे का फोड़े फुंसी पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, इतना फायदेमंद होता है या बबूल का फूल भी जो पीले पीले आप देख रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों, यह बबूल का पेड़ अगर माना जाए तो सोने से कीमती है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।